Moving on to the next big one. News Television Editor-in-Chief of the Year, Hindi. What are the guesses here tonight? क्या बोला यहाँ से क्या आवाज आई हाँ what is that who ever heard about news not noise I mean all right let's find out who the winner is एडिटर इन चीफ का काम टेलीविज़न में क्या होता है आप शायद जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए वो ऐसा शख्स होता है जो अपनी पूरी टीम को मोटिवेट करता है उससे काम लेता है और वो काम लेता है जो दूसरे चैनल का कोई आदमी नहीं कर पाता इस कैटेगरी में कई सारे नाम थे लेकिन दीपक चौरसिया और मिलिंद खान खांडेकर ऐसे नाम हम लोगों के सामने आए एक नाम चुनना था लेकिन हम चुन नहीं पाए थे तब लगा कि हम दो लोगों को एक साथ इस कैटेगरी के लिए हम चुने क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी टीम को जिस तरह से मोटिवेट करते हैं और जिस तरह से खबरें निकलवा के लाते हैं पूरा हिंदी जगत इनसे प्रभावित होता है दीपक चौरसिया और मिलिंद खांडेकर आपको मेरी Can we hear it out loud for Mylind Khandekar, ABP News, and Deepak Chaurasia, India News, joint winners for the News Television Editor-in-Chief of the Year, Hindi. बड़ी नाइंसाफी है क्योंकि मैं टीवी पे बोलता नहीं हूँ आप मुझे यहाँ बोलने के लिए कह रहे हैं ENBA का बहुत बहुत शुक्रिया ये अवार्ड देने के लिए और ABP न्यूज़ नेटवर्क की पूरी टीम की तरफ से ये मैं पूरी विनम्रता के साथ ये अवार्ड स्वीकार कर रहा हूँ मैं इस मौके पर दो बातें कहना चाहता हूँ ये सम्मान मेरा नहीं है ABP न्यूज़ की जो न्यूज़ कवरेज है निष्पक्ष न्यूज़ कवरेज ये मैं उसका सम्मान मानता हूँ ये और मुझे गर्व है ये कहने में कि मैं एक ऐसे न्यूज़ रूम में काम करता हूँ जहाँ बिना किसी रोकटोक के खबरें अपने दर्शकों तक पहुँचाते हैं दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अवार्ड है ये हमारी प्रोग्रामिंग के लिए है और ऐसी प्रोग्रामिंग जिसके लिए आपने ही आज अवार्ड दिए जैसे राम राज्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रधानमंत्री है हमें बहुत गर्व है कि हम ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं जो कि बाद में हिंदी न्यूज़ चैनलों में बाद में देखी जाती है मुझे इस बात का गर्व है कि हम एक तरह से इस हिंदी जगत के थॉट लीडर हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे भी बने रहें बहुत बहुत धन्यवाद कंग्रेचुलेशंस मिलिंद खांडेकर ABP न्यूज एंड ऑफ कोर्स दीपक चौरसिया रिक्वेस्टेड टू प्लीज कम अप You can't leave without saying a few words. We've got the microphone right there. बोलने की हम खाते हैं जी जरूर और बोलने के पैसे मिलते हैं क्या बात है अभी ट्रॉफी मिल रही है अभी ट्रॉफी मिल रही है थैंक यू अनुराग भाई सर नवल जी एक्सचेंज फॉर मीडिया ये अवार्ड मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज से ठीक 3 साल पहले 14 फरवरी 2013 को मैंने इंडिया न्यूज़ में एक नई शुरुआत की थी सो आज हम 3 साल कंप्लीट कर रहे हैं बहुत खुशी के साथ मैं अपनी टीम को याद करूंगा क्योंकि रसातल से हमने शुरू किया था शून्य से भी नीचे से और आज इस हफ्ते ये इसलिए और ख़ास है क्योंकि हम टॉप 3 में हैं मैं इसलिए भी खुश हूँ
कि ये अवार्ड जॉइंटली मुझे मिलिंद के साथ मिला है, दो इंदौरियों को मिला है और एक इंदौर के दामाद ने दिया है। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर एक अच्छी टीम आपके पास हो तो टेलीविजन में आप इतिहास बदल सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है एक नए चैनल को स्थापित चैनल के बीच जगह बनाना, ये आप सबको पता है कि कितना मुश्किल काम है ये, और वो भी हिंदी न्यूज़ इंडस्ट्री के अंदर जहां पर हर साल चैनलों की बाढ़ और बरसात सी लगती है, आते हैं चले जाते हैं, कुछ रहते हैं कुछ खड़े रहते हैं कुछ गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने मुकाम हासिल किया है। मेरे MD कार्तिकेय शर्मा जी की तरफ से, पूरी इंडिया न्यूज़ की टीम की तरफ से, और बहुत खुशी मुझे इस बात की भी है अनुराग जी कि इस हॉल के अंदर जो 80% लोग बैठे हुए हैं उनके साथ मैंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम किया है, तो ये अवार्ड इस पूरे हॉल के लिए भी है जिनके साथ मैंने पिछले 23 साल के दौरान काम किया है, उठा हूँ गिरा हूँ चला हूँ सब कुछ किया है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ एक्सचेंज फॉर मीडिया का, अनुराग जी का, उनकी टीम का, और साथ ही साथ जूरी का, और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो टीम है वो रोज़ नए आयाम हासिल करेगी और अनुराग जी हर साल हमको इसी तरह याद करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Congratulations, India News and Deepak Chaurasia. Rightly said, the Indian news broadcasting fraternity is definitely an incestuous one.